अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई और आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकती है तो वीडियो को लाइक कर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर मनीष आज आपसे बात करने वाला हूँ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के। एक वीडियो बनाई थी पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब बढ़ जाती है तो किस प्रकार से बॉडी के अंदर क्या असर आता है, क्या नुकसान उसका जो है शरीर पर दिखाई देता है। तो उस वीडियो में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन निकल करके आए हैं, और अगर वेंटिलेटर पर कोई व्यक्ति चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से, अगर कोई वेंटिलेटर पर चला जाता है तो कितने समय में वेंटिलेटर उसको ठीक कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके नुकसान तो आपको बहुत सारे बता दिए हैं, पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे बॉडी के अंदर ज़रूरत भी थी कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल कुछ इस प्रकार से है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर होगी ही नहीं तो आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने वाले, जो स्टिमुलेट करने वाले जो सेंटर्स हैं, जो केंद्र बिंदु हैं, वो स्टिमुलेट ही नहीं होंगे। यानी व्यक्ति का रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगा यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं है बॉडी के अंदर। तो ये है रोल कार्बन डाइऑक्साइड का। अब बात करते हैं कि वेंटिलेटर पर यदि व्यक्ति चला जाए तो कितने समय में ठीक हो पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी कितने समय में ठीक हो जाती है। तो ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, पर मैं अपने अनुभव से बात करना चाहूँगा कि कुछ घंटों के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग है। ऐसे ही व्यक्ति का रेस्पिरेशन पूरे तरीके से जो है वेंटिलेटर पर डिपेंड होता है, ज़्यादा तेज़ी से जो है व्यक्ति के कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देता है। कभी कभी इस प्रोसेसिंग में कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें प्रोसेसिंग में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की जो प्रक्रिया होती है इसमें पूरा पूरा दिन लग जाता है, तो एक दिन मान लीजिए आप मैक्सिमम। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके अंदर एक घंटे से या एक दिन से ज़्यादा लग जाए? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक दिन से ज़्यादा का समय लग जाता है। ऐसी स्थिति कौन सी हो सकती है? ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनके जो फेफड़े हैं या फेफड़ों में काम करने वाली जो पूरी प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में जा चुकी है। 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ठीक होने में बहुत बहुत समय लग जाता है, कई कई दिन का समय लग जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका पूरे तरीके से ठीक हो ही नहीं पाता। तब होता है जब व्यक्ति का जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में होते हैं, और ऐसे लोग जो हैं अक्सर बच नहीं पाते हैं, 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं निकाल पाते ऐसे लोग। तो जिन लोगों की स्थिति, जिन लोगों की तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस होती है, गंभीर होती है, वही लोग जो हैं वेंटिलेटर पर ज़्यादा समय लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जिन लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड बार बार बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड बार बार उन्हीं लोगों की बढ़ती है जिनको फेफड़ों की पुरानी बीमारियाँ होती हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा धूम्रपान किया हुआ है अपनी लाइफ में, जिनके लंग्स किसी बीमारी की वजह से या उनकी खुद की गलती से स्मोकिंग ज़्यादा करते थे या स्मोकिंग करते थे, इस वजह से जो है उनके लंग्स ख़राब हो गए हैं और अब ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। ये लोग घर पर भी जो है बार बार बाईपैप मशीन लगाते हैं या हॉस्पिटल में इनको बाईपैप मशीन लगती है, उसके बावजूद इन लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक निश्चित मात्रा से कम नहीं हो पाता है। इन लोगों की हमेशा बढ़ी हुई रहती है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इन लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड उस लेवल से नीचे नहीं आएगी। इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कार्बन डाइऑक्साइड यदि आप 60 या 65 से कम करना चाहो तो ये लोग उल्टे बीमार हो जाते हैं। कम करने से ठीक होने चाहिए, लेकिन अब इनके शरीर को आदत हो चुकी है कि जब इनकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई रहती है तभी ये लोग ठीक रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों की जो है कार्बन डाइऑक्साइड पहली बार बढ़ी है, जिन लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड पहली बार बढ़ी है वो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से ठीक हो जाते हैं। तीसरी कैटेगरी वो लोग हैं जिनको बार बार ऐसी स्थिति आ रही है। तो ये जो बार बार जिन लोगों को ऐसी स्थिति आ रही है, या तो ये लोग जो हैं ठीक वाली साइड में चले जाते हैं, अगर ठीक वाली साइड में नहीं जा पाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में इन लोगों को बार बार बाईपैप मशीन लगानी पड़ती है, ये घर पर लगा के काम चल जाता है। कुछ समय तक इन लोगों का काम उस बाईपैप मशीन से चल सकता है, पर बहुत ही जल्दी एक ऐसी स्थिति में ये लोग पहुंचने वाले हैं जहां पर इनके कार्बन डाइऑक्साइड वो बाईपैप भी नहीं निकाल पाएगा। इनके जो फेफड़े हैं उनका जो लचीलापन है वो बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे लोगों को जो है मतलब मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि कितना समय लगेगा, बट बहुत ही जल्दी, मतलब विद इन सिक्स मंथ और थ्री मंथ इन लोगों की जो है कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ी रहेगी। उसके बाद में ये लोग जो है बहुत ज़्यादा सीरियस स्थिति में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से, इस बीमारी से छुटकारा पाने का क्या कोई नेचुरल तरीका है? पहली स्थिति, हमेशा भारत में एक चीज़ को प्राथमिकता दी गई है, इवन चाहे डॉक्टर हो चाहे एक आम जीवन, के राड से बाढ़ अच्छी है, मतलब प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा है। तो भाई यहाँ पर परहेज उन लोगों के लिए बताया गया है जो स्वस्थ हैं, जिन लोगों को फेफड़ों की कोई भी दिक्कत है, जो धूम्रपान का सेवन करते हैं छोड़ दें, जो धूम्रपान का सेवन नहीं करते हैं या उन लोगों को लंग्स की पुरानी बीमारी है, भाई उन लोगों के लिए प्राणायाम जो है वो एक रामबाण दवाई है, एक रामबाण तरीका है। प्राणायाम करें, जितने भी योगासन हैं उनको भी अपनाएं अपने जीवन में। तो प्राणायाम जो है वो एक बहुत ही गजब की चीज़ है। इवन जो साइंस है, साइंस को चेंज होते हुए हमने देखा है, बहुत सारे लोगों की जो रिपोर्ट आती है सीटी स्कैन वगैरह की इतनी ख़राब आती हैं, इवन डॉक्टर चौंक जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सचमुच में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी विल पावर, आपकी जो मेहनत है वो काम आती है। अगर लोग प्राणायाम वगैरह का सेवन करते हैं, इनको करते हैं नित्य प्रतिदिन, तो भाई निश्चित रूप से लाभ मिलता है।
कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी ही नहीं इन लोगों की। तो जो लोग जिन लोगों को लगता है कि उनके फेफड़े कमज़ोर हैं, निश्चित रूप से आप जो है अपने दैनिक जीवन में एक्सरसाइज फेफड़ों की कीजिए, वो योग प्राणायाम हो सकता है या कोई और एक्सरसाइज हो सकती है, आप अपनी मर्जी से चूज कीजिए, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप योग प्राणायाम करें। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं, देखिए बीमार लोगों को भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो भी योग प्राणायाम पर आएंगे। नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए वेंटिलेटर और बाईपैप मशीन जो है वो हमारे साइंटिस्ट बना चुके हैं ऑलरेडी, और उनका प्रयोग कीजिए और आप बहुत जल्दी बीमार होने वाले हैं, और भी ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं, ठीक है। पर अगर फिर भी ठीक होना चाहते हैं तो भाई योग प्राणायाम पर जाइए। नंबर दो, च्यवनप्राश का सेवन कीजिए। एक्सरसाइज दूसरी और एक्सरसाइज भी बेनिफिट करेंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बस लंग्स की करें, पूरे शरीर का व्यायाम कीजिए। इसके अलावा एक और वीडियो मैंने बना दिया है, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, वो भी एक प्रकार का फेफड़ों का व्यायाम है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में यूज ना करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर डाइट वगैरह चेंज करने से, अपने दैनिक रूटीन में चेंज करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो भी घबराएं मत, हिम्मत मत हारें। अपनी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, एक्सरसाइज वगैरह, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है तो उनका प्रयोग करते रहें, पर इन चीज़ों को बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है जी। और योग प्राणायाम के लिए आप लोग निश्चित रूप से बिना किसी विचार के आप लोग बाबा रामदेव की बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारी हेल्प की है। कोई उनका सपोर्टर नहीं हूँ, बट निश्चित रूप से उनकी हेल्प जो है वो अप्रिसिएट की जानी चाहिए, और मैं उसको निश्चित रूप से अप्रिसिएट करता हूँ, स्वागत करता हूँ उनकी मदद का जो उन्होंने लोगों के लिए की है। फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए, और ये जो आज की वीडियो बनी हुई है ये भी कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के ऊपर बनी हुई है। तो इसी तरीके से अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछेंगे तो निश्चित रूप से जो है उनका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई और आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकती है तो वीडियो को लाइक कर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद ये दूसरे लोगों तक पहुँच पाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।